हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइस के बारे में। डाइस को हम हिंदी में पासा कहते हैं। तो जनरली डाइस के 6 साइड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस, दो टाइप के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड होता है जनरल डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में जो दो साइड का, किसी भी दो साइड का जो सम होता है वो इक्वल टू 7 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सम इज, बट जो स्टैंडर्ड डाइस होता है सम इज़ नॉट इक्वल टू 7, मतलब कि किसी भी साइड का जो सम होता है वो 7 के इक्वल टू नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 1 = 6, 5 + 3 = 8 and 3 + 1 = 4, सम इज़ नॉट इक्वल टू 7। बट अगर हम बात करेंगे कि जनरल डाइस की, तो जनरल डाइस में सम इज़ इक्वल टू 7, मतलब कि किसी भी दो साइड का जो सम होगा वो 7 के इक्वल टू होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 6 = 7, 1 + 6 = 7, सो दिस इज़ जनरल डाइस। तो अब हम बात करेंगे कि सपोज हमें कोई दो डाइस दिए हुए हैं और हमें फाइंड करना है उसकी अपोजिट साइड। जैसे हमें दिया है 6, तो हमें 6 की अपोजिट साइड को फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, आपको ये डाइस और ये डाइस दिखाई दे रही है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो कॉमन नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। तो इसमें 6 कॉमन है, इसमें भी 6 कॉमन है। अब आपको क्या करना है, अब हमें जो कॉमन नंबर है उससे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो जैसे हमने 6 से मूव किए, ये आ गए 5 तक, वहीं पे यहाँ से हमने 6 से किए तो यहाँ पे आ गए 3 तक। तो हमें क्या फाइंड हुआ, पहले इसमें तो था 6, देन इस साइड भी है 6 6 कॉमन। 6 में जब हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किए तो आया 4, यहाँ पे आ गया 1, देन हमने फिर से रोटेट किए, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 3। तो हम बात करेंगे कि जो 4 की जो अपोजिट साइड होगी वो होगा 1, और जो 5 के जो अपोजिट साइड होगी वो होगा 3। अब हम केस 2 देखेंगे, जब हम ये डाइस के फॉर्म में ना दिए हो, अब हमें दिए हो इस फॉर्म में, इसमें भी हमें अपोजिट साइड निकालने होते हैं। तो इसमें तो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, हमें इसमें क्या करना होता है, ओनली 1 साइड को छोड़ के। जैसे 2 है तो 2 का अपोजिट साइड 4 होगा, जैसे 3 है तो 3 का अपोजिट साइड 4 होगा। उसी तरह जैसे 1 है तो 1 का अपोजिट साइज 6 होगा, 1 का 6, 2 का 4 एंड 3 का 5। उसी टाइप से हम नेक्स्ट देखेंगे, तो इसी में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 1 है तो हमें बस 1 जो साइड है उसको स्किप करना है। तो 1 का अपोजिट होगा 5 और 2 का अपोजिट 4 एंड 1 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6। उसी टाइप से इसमें भी है, 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 6। बट इस केस में डिफरेंस है, इसमें क्या होगा, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6, और जो ये साइड और ये साइड बच गई तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में हो जाएगी। आई होप दोस्तों कि आपको डाइस का जो भी कंसेप्ट था वो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।